साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, एक बार फिर से इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी खबरें, लेकिन केजरीवाल को लेकर इतने खुलासे हो रहे हैं कि समझ में नहीं आता केजरीवाल क्या खुद ही न्यूज बन गए हैं। केजरीवाल खुद को न्यूज में रखना चाहते हैं, इतनी सारी चीजें। और मैं लाइव हूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप साथ के साथ जुड़े रहें। मुझे याद है दोस्तों कि एक कहानी पढ़ी थी अखबार में, नाम पता नहीं आपने, आप में से अधिकतर लोगों ने पढ़ी होगी। उस कहानी का सार ये है कि एक व्यक्ति, बार बार उसकी ख्वाहिश होती थी कि उसका नाम अखबार में छप जाए। एक बार उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद जिसकी गाड़ी से होता है वो साइकिल चला रहा होता है तो अस्पताल में होता है। फिर वो जो गाड़ी का मालिक है वो उससे मिलने आता है कि पता नहीं कहाँ फंस जाए, क्या फंस जाए, तो वो उससे अखबार छीन करके देखता है। तो बोला, अरे आप अखबार देख रहे हो? बोला, मेरा नाम छपा कि नहीं अखबार में? तो बोला, क्या बात कर रहे हो, तुम चाहते हो क्या कि अखबार में तुम्हारा नाम छप जाए? बोला, हाँ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो अखबार में तो नाम छपना चाहिए ना। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं मीडिया वालों को बुलाता हूं, तुम उससे कह देना कि मैंने अखबार में नाम छपवाने के लिए इसकी गाड़ी के आगे अपनी साइकिल को ले आया गलत तरीके से, तो एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद तुम्हारा नाम देखना सारे अखबार में छप जाएगा। अब वो बेचारा क्या करे, लेकिन बेचारा क्या, उसने सही में ऐसी बात कह दी कि तुम सिर्फ हाँ ना बोलना, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। और उसके बाद अगले दिन सारे अखबारों में उसका नाम छप जाता है। इसलिए छपता है कि देखो, इस आदमी ने अखबार में नाम छपाने के लिए खुद का एक्सीडेंट करवा दिया। अब वो जब देखता अखबार तो उसको शर्म से उसका सिर गड़ जाता है, कह रहे मैं तो एक्सीडेंट की खबर चाहता था, यहां तो अखबार में नाम इसलिए छपा कि छपवाने के लिए एक्सीडेंट करा दिया। तो केजरीवाल की कहानी ऐसी ही है दोस्तों। केजरीवाल अखबार में नाम छपवाने के लिए, टीवी में छपने के लिए, छपास की बीमारी बड़ी खराब होती है, ये सारी हरकतें करते हैं। पहले तो पैसे देकर छप जाते थे, लेकिन अब तो खबर ही क्राइम, मतलब भ्रष्टाचार की है। क्राइम क्या, भ्रष्टाचार है, ये भी गुनाह ही है, बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि लोगों की भावनाओं से आप खेलते हैं। और इसीलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जो दिन ब दिन खुलासे हो रहे हैं, इस समय का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि आखिरकार केजरीवाल जी का जो फ्रॉड है ना, वो पकड़ा गया। और ऐसे ही नहीं पकड़ा गया, सीसीटीवी ने राज खोले हैं, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उसमें लगातार वो फंस रहे हैं और बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं। उनको अंदाजा नहीं है दोस्तों कि वो क्या कर रहे हैं, या फिर वो जानबूझकर कर रहे हैं, जिसकी कहानी अभी मैंने आपको सुनाई अखबार में नाम। अब आपको मैं छोटी छोटी पहले खबरें दिखाता हूं और फिर आपको बातों को डिकोड करता हूं, जिसकी वजह से मैं आज ये बताने को मजबूर हूं। और वही सच्चाई भी है, दिखेगी आपको कि अखबार में नाम छपवाने के लिए अरविंद केजरीवाल किस हद तक जा सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, ये अखबार में नाम जो कहानी आपको सुनाई कैसी लगी और केजरीवाल पे फिट बैठता है या नहीं बैठता है, आप साथ के साथ बताइएगा, हम आपस में इसमें संवाद भी करेंगे। आप पहले एक एक करके कुछ खबरों को देखिए। देखिए, कस्टडी में केजरीवाल ने जारी किया आदेश, ईडी ने कहा हिरासत में सरकारी फाइलों पर पूरी तरह से रोक। अब आप सोचिए, ये जनाब ईडी की हिरासत में गिरफ्तार है और सरकारी आदेश जारी कर रहे हैं, ये गैर कानूनी काम है, ऐसा कर ही नहीं सकते। ये नई प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और दुनिया के पहले व्यक्ति हो गए हैं जो मुख्यमंत्री हैं और जेल में है, इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि किसी पर विश्वास नहीं है, ये डरे हुए इंसान है। तो पहली खबर आप देख लीजिए, ईडी ने कह दिया। दूसरी खबर देखिए, केजरीवाल अभी फाइलों पर नहीं कर सकते साइन,
सीसीटीवी के सामने है, ईडी के दावों से बढ़ गया विवाद। क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं अभी आपको बताता हूं। और एक नहीं, दो दो हरकतें दोस्तों, दो दो मंत्री हरकत कर रहा है, एक आतिशी मार लेना और दूसरा सौरभ भारद्वाज। अभी मैं आपको दिखाता हूं और वो पूरी नौटंकी डिकोड करूंगा कि कैसे इन लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और वो निकल रहे हैं या बता रहे हैं क्या कर रहे हैं अभी आपको मैं बताता हूं। अरविंद केजरीवाल दोस्तों 2400 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में है। कहां से आदेश आ गया? कोई गुप्त शक्तियां हैं क्या उनके पास? बस आंख बंद किया, ध्यान लगाया, आदेश जारी हो गया। कितना बड़ा फ्रॉड है आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये इसीलिए मैंने लिखा कि सीसीटीवी के सामने होने के बाद भी, जहां इनके पास कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, भैया हिरासत में या गिरफ्तारी में सुविधाएं मिलती हैं क्या? और कम से कम इस राज में आप उम्मीद कर सकते हैं क्या? सत्येंद्र जैन ने तो पूरी मस्ती कर ली, बाद में पता चल गया, लेकिन ईडी तो सेंट्रल एजेंसी है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई अय्याशी कर सकता है या कोई सुख सुविधाओं को भोग सकता है। तो सीसीटीवी ने सारे राज खोल दिए हैं। और तीसरी बड़ी खबर भी आपको पढ़कर सुनाता हूं, आप देखिए। ईडी हिरासत में पत्र लिखने पर दर्ज हो सकता है केस, नई मुश्किलों में घिर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत नौटंकी हो गई, बहुत ड्रामे हो गए। ये सोचते हैं कि हम ये करके वो कर लेंगे, वो करके ये कर लेंगे, और विवादों में बने रहकर भी कम से कम टीवी अखबार सुर्खियों में छाए रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल गलतफहमी में है, ये मोदी राज है, और ये वो मोदी हैं जो खुलकर दम ठोक कर कहते हैं कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस लेकर काम कर रहे हैं, कोई किसी के प्रति किसी भी प्रकार की हमदर्दी नहीं। और ये बात तो मैं दोस्तों इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन भाजपा के नेताओं मंत्रियों पर भी आरोप लगे उनके साथ हमदर्दी नहीं हुई, केस दर्ज हुआ, और जो भी काम करना चाहिए कानूनी रूप से वो किया गया। तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। अब मैं आपको दो बाइट सुनाता हूं। सिरसा साहब भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, एक प्रमुख चेहरा है, सिख चेहरा है, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है ईडी के पास। यह ऑफिशियल मामला है, दिल्ली के उपराज्यपाल और ईडी के सामने शिकायत दर्ज की है, और यह बताया है कि कैसे अरविंद केजरीवाल इल्लीगल काम कर रहे हैं। या तो अरविंद केजरीवाल इल्लीगल काम कर रहे हैं या फिर इनके मंत्री, दो दो मंत्री फ्रॉड कर रहे हैं, यानी कुछ तो हुआ है, कोई तो गलत बात हुई है। एक ऐसी चीज जो कानूनन नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, गैर कानूनी है। पहले मैं आपको छोटा सा बयान पहले सिरसा साहब का सुनाता हूं, जिन्होंने की शिकायत दर्ज कराई है, ये बयान सुनिए। मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को आतिशी जी और उनके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से एक इलीगल ऑर्डर दिखाया और यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है और मुख्यमंत्री जी ने ईडी कस्टडी में जेल में रहते हुए ही ऑर्डर पास किया है। ये टोटल इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का मिसयूज है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है दिल्ली के लोगों के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर के साथ, और दिल्ली की चुनी हुई सरकार द्वारा अपने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते, और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसा कोई स्टैच्यू नहीं है। देखा आपने दोस्तों, हालांकि एक कमेंट मैं जरूर बताना चाहूंगा, चिरंजीव राउत साहब लिखते हैं, राधे राधे हरीश जी, आपका आज का झूठे झूठेरीवाल का यादाश्त जाने वाला वीडियो सभी को दिल को छू गया। ये भी छू जाएगा आपको, वो तो निकाला ही। अब आप देखिए कितना बड़ा गुनाह है ये, कितना बड़ा काम किया है, ब्लंडर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है दोस्तों। कहते हैं ना कि जो गलत काम करते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं,
अभी सिरसा साहब का एक और बयान सुनाता हूं और आपको अंदाजा हो जाएगा दोस्तों कि किस प्रकार से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। और ये सिरसा साहब का बयान एक और सुनाता हूं, फिर आगे की बात आपको बताऊंगा, पहले ये बयान सुनिए। केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। आतिशी जी और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मुख्यमंत्री का ऑफिस इलीगल तरीके से चलाने में, उसको हाईजैक करने में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इन सबको एक्सपोज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखा हमने दोस्तों, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एक और आगे बढ़ने से एक और कमेंट ले लेता हूं। कृष्णा हल्दर जी, बनवाल जी केजरीवाल को नानी की बद्दुआ लग गई है, अब नानी का कहानी नहीं सुनाएगा कभी, नानी की नहीं बच्चे वाली भी कसम खाया है कृष्णा जी। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आप बड़ी गंभीरता से सोचिए कि अभी जब सुनवाई चल रही थी शराब घोटाले की अदालतों में, तो वकीलों ने ये दलील दी केजरीवाल की कि इनका कोई रोल नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके पास तो कोई मामला भी नहीं बनता। लेकिन एक सवाल है और इस ट्वीट के जरिए मैं अपनी बात रख रहा हूं कि आज जब अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी में है, ईडी के रिमांड में है, जहां वो पूरी तरह से बंद हैं, वहां तो ये सरकार एक काम कर ही नहीं पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, इनके मंत्रियों को निर्देश लेना पड़ता है। तो आप सोचिए, बड़े ध्यान से सोचिए कि शराब घोटाले जैसे मामले में, बड़ा घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला, उसमें अरविंद केजरीवाल के बिना इन लोगों ने कैसे काम किया होगा। और इसीलिए आपको ये ट्वीट दिखा रहा हूं। अरविंद गुप्ता साहब ने लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग, मिनिस्टर्स क्लेमिंग दे आर गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एन इन कस्टडी सीएम फॉर थिंग्स दे शुड बी डूइंग रूटीनली। जो इनका रूटीन वर्क है, जल मंत्री है तो जल का काम करेगा, स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य का काम करेगा, रूटीन काम है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना शुरू कर दिया आयुष्मान की तरह, ना कुछ नहीं। तो उसके लिए भी इनको अरविंद केजरीवाल से इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने लिखा आगे कि इफ दे आर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर रूटीन मैटर्स, हाउ कैन द सीएम नॉट बी इन्वॉल्व इन द चेंजिंग ऑफ हाई प्रोफाइल एक्साइज पॉलिसी। सोचिए कि जब छोटे छोटे रूटीन काम के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछना पड़ता है, तो जहां आपने पूरी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बदल दी, वो बिना केजरीवाल से पूछे हो गया होगा। इसी को कहते हैं एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, और ये खुद खोद रहे हैं। मैं तो एक जानता हूं दोस्तों कि कम बोलने वाला बहुत सारी मुसीबत से बच जाता है, लेकिन ये बड़बोले लोग हैं, ये मोदी को दोष देने या कोसने में ये किसी भी हद तक जाते हैं, और जितना बोलते हैं उतना फंसते हैं। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखा देता हूं लाइव लॉ का। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल प्ली चैलेंजिंग, अरविंद केजरीवाल ने अपनी ईडी रिमांड को चुनौती दी है फिर से हाई कोर्ट में, और ये अभी अपडेट के रूप में मैं आपको दे रहा हूं। कल सुबह 10:30 बजे इस मामले में सुनवाई होगी, तो ये एक अपडेट मैंने आपको दिया, उस पर भी आपको चर्चा करूंगा कि इसका होगा क्या, ये मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने जो पहला आदेश दिया अभी 2 दिन पहले, वो आतिशी मार लेना को दिया। ये मंत्री हैं, आंसू आ गए, आतिशी मार लेना की आंखों में आंसू आ गए। एक शेर सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं इनका बयान सुनाता हूं, फिर एक शेर सुनाता हूं, आपको शेर सुन के भी बड़ा मजा आएगा। मैंने बरसों पहले ये शेर सुना था, आप पहले ये बयान सुनिए आतिशी मार लेना का आंसू वाला, कि इनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए, कितना दर्द भरा पड़ा है अरविंद केजरीवाल के ईडी में जाने से। जरा पहले ये बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं। ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है
जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा हो? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। देख रहे हैं दोस्तों, आंसू आ गए, दर्द भरा पड़ा है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, अच्छा लगेगा। अब किस पे लिखा आप खुद ही समझ जाएंगे सुन करके। किसी कवि ने सुनाया था, मेरा नहीं है, मैंने सुना था। उठ उठ कर बैठते हैं ये रातों का हाल है, उठ उठ कर बैठते हैं ये रातों का हाल है, दिन एक गुजरता है जैसे एक साल है, फिर भी ना हो यकीन मेरी आंखों से पूछ लो, फिर भी ना हो यकीन मेरी आंखों से पूछ लो, जब से गए हो आज तक गिला रुमाल है। अब केजरीवाल की टीम ने तो ऐसा ही कर दिया है, पूरा माहौल बना दिया है कि जब से गए हैं सबके रुमाल गिले हैं, सुखी नहीं रहे हैं। मैं एक आपको कमेंट के साथ आगे बढ़ता हूं दोस्तों, कि निमी चंद जैन साहब लिखते हैं, दो दिन और ठहर जाते, जेल से 14 लेटर और बाहर आ जाते, ड्रामा क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता। निमी चंद जैन जी, देखिए ये जो आपने बात की ना, ये एकदम पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड जिसको कहते हैं। जो लोग सवाल उठाते थे ना कि केजरीवाल के साथ कुछ हो नहीं रहा, गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ईडी खेल कर रही है या सरकार खेल करती, खेल नहीं करती है, ये खुद को एक्सपोज करते हैं। और यही बात आप लिख रहे हैं कि अगर और दो चार दिन ठहर जाते तो ये एक्सपोज ही करते और 10 ऑर्डर निकाल देते, पता नहीं कहां से चीजें आ जाती, साइन करते, सारी चीजें होती, और ये खुद को एक्सपोज करते। दोस्तों मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि ये अपने आप को एक्सपोज करते, और इसीलिए केजरीवाल के 2 आदेश आ चुके हैं अभी तक। रोज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब आप देखिए, ईडी की हिरासत में रहते हुए केजरीवाल ने दिया पहला आदेश। पहला आदेश क्या था? जल मंत्री आतिशी मार्लेना को यह निर्देश दिया कि कई जगहों पर पेयजल और सीवर की समस्याएं हैं, उसका समाधान कीजिए, यही निर्देश दिया। और आतिशी ने जब शनिवार देर रात इनको निर्देश मिला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो परेशान हो गई। उसको दिल्ली वालों की समस्याओं का कोई भान नहीं था, केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हो गया, सब पता चल गया। और उसके बाद इन्होंने दिया, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बयान दिखाता हूं दोस्तों, आप सुनिए समझिए कि एक आदमी जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। मैं कहीं व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है, आजकल तो कमाल होता है, भले लोग गाली दें, मैं तो उसमें क्रिएटिविटी देखता। उसमें लिखा हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम की अपार सफलता के बाद अब पेश है वर्क फ्रॉम जेल, है ना कमाल, शब्द कम होते हैं लेकिन उसका असर बड़ा घातक होता है। तो अब मैं आपको आतिशी मार्लेना, जो दिल्ली की मंत्री हैं, जल मंत्री, शिक्षा मंत्री भी हैं, उनका पहले एक छोटा बयान सुनाता हूं। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। देखा आपने दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस भेजे, चिट्ठी दिखा रही है, मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा था। एक वेणुगोपाल आर साहब लिखते हैं, कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है केजरीवाल पर, इसीलिए सुनाया सर, क्योंकि कहानियों से बहुत सारी बात बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाती है। अब मैं आपको आतिशी मार्लेना, जो जल मंत्री है, वो बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से उन्हें निर्देश दिया, क्या क्या कहा, पानी के लिए टैंकरों का इंतजाम कीजिए, तुरंत देखिए, जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का सहयोग लीजिए, दुबले हुए जा रहे हैं, ये दिल्ली वाले पानी के कितने कष्ट में हैं, 9 साल हो गया। और मैंने वो बयान निकाला नहीं दोस्तों, वरना तो मैं वो भी आपको सुना देता। हर साल अरविंद केजरीवाल हर साल ये वादा करते हैं कि अगले साल हम पानी की समस्या दूर कर देंगे, जैसे प्रदूषण के लिए करते हैं,
जैसे यमुना के पानी को साफ करने के लिए कहते हैं, वैसे ही दिल्ली में पानी की समस्या को दूर करने के लिए कहते हैं। आपको जब मैं अभी बयान सुना रहा हूं दोस्तों, तो एक लाइन तो बताना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जो सीधे मोदी को चुनौती देते हैं, कितना फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों देश के 140 करोड़ लोगों के देश में ये संकल्प लेते हैं कि हर घर तक हम नल से जल पहुंचाएंगे, और करोड़ों मतलब पूरा होने वाला होगा अगले कुछ वर्षों में, और ये व्यक्ति 9 साल सत्ता में रहने के बाद भी दिल्ली में पानी उपलब्ध नहीं करा पाया, और आज जेल में इनको पीड़ा हो रही है, पहले नहीं होती थी। बयान सुनिए आतिशी जी का। केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूंकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। देखा आपने दोस्तों कैसे निर्देश दिए जा रहे हैं। जेल में बंद, भ्रष्टाचार के आरोप में बंद एक व्यक्ति निर्देश दे रहा है। मैं एक कमेंट लेता हूं हंसा पटेल जी का। जिस तरह से अमेरिका भी केजरी के फेवर में आ रहा है, उस हिसाब से अभी जितना समझते उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है ये आदमी। और सिर्फ अमेरिका नहीं, इस पर तो जर्मनी ने भी किया है हंसा जी। उस पर मैं किसी दिन बहुत अलग से पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को एक साथ लेकर आपको बताऊंगा। लेकिन अब आपको मैं दोस्तों केजरीवाल के दूसरे आदेश की ओर लेकर जाता हूं, और ये आदेश जो है वो सौरभ भारद्वाज को दिया गया है। क्या कह रहे हैं, हाय हाय हाय, आप विह्वल हो उठेंगे दोस्तों। दर्द देखिए, दर्द शेर सुना है ना, वाह क्या दर्द है। आप इस कमेंट को सुनिएगा, बयान को, कि अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कोई साधारण आदमी भी इस तरीके से गिरफ्तार हो जाए तो उसकी चिंता पत्नी का क्या हाल है, बच्चों का क्या है, वकील बेल ये वो, लेकिन केजरीवाल तो दिल्ली की जनता के लिए दुबले हुए जा रहे हैं। बयान सुनाता हूं आपको, सुनिए। साधारण आदमी भी इस तरीके से गिरफ्तार हो जाए तो उसकी चिंताएं रहती हैं, पत्नी का क्या है, बच्चों का क्या है, कौन वकील किया जाए, कैसे बेल दी जाए, क्या बहस हो रही है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। सुना आपने दोस्तों सौरभ भारद्वाज का, एक और बयान सुनाता हूं। वैसे तो दिल्ली के अस्पतालों पर मैंने बहुत कहानियां दिखाई, मैं पुरानी चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता दोस्तों, लेकिन एक लाइन आपको बताता हूं इस बाइट को सुनाने से पहले, कि कोरोना काल में अगर कहीं की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब थी, वर्स्ट, और ये कमेंट किसका ये भी बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट का, मैं दिखा सकता था लेकिन लंबा करने की वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिकों का क्या फायदा जो वक्त पर काम ना आ सके। आज भी दिल्ली में यही स्थिति है। वो व्यक्ति सौरभ भारद्वाज ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अस्पतालों की चिंता जग गई है। बयान सुनिए। दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले, देख रहे ना। लेकिन मैं जब बयान सुन रहा था ना दोस्तों, मेरे दिल में तो बड़ी पीड़ा उठ रही थी, आप में भी अभी उठेगी। अभी मैं छांट छांट के बड़े बयान निकाला हूं। एक जगह सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो कैसे कहते थे, सौरभ जाओ देखो कोई छूट तो नहीं रहा, जाओ तुम दवाई के विंडो में लगो, किसी को दवाई नहीं मिल रही है। आहा, अरे
ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर एकदम कोई एक्ट चल रहा है और आपके आंखों में आंसू हो, तमाम चीजें। आपको एक बयान ये वाला सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो मुझे कहते थे कि तू कब जाएगा अस्पताल, कब जाएगा? तो मैं बोलूँगा सर कल जाऊंगा। कौन सा हॉस्पिटल जाएगा? बिल्कुल सर इतने में जाऊंगा। अच्छा ठीक है। तो मैं कई बार फेसबुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था तो कहते थे अरे तू सीधा स्टोर में क्यों चला जाता है, तू पहले खिड़की पे जाकर जहाँ पे दवा मिलती है उस खिड़की पे जाकर, वहां पे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तू मंत्री है। देखा आपने दोस्तों, अब एक बयान आपको मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, एक वैसे दीपक चौहान साहब लिख रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति कोई पार्टी कैसे करती है, और वो भी ऐसे पार्टी सत्ता में है कैसे? ये जनता की भी जिम्मेदारी है। 70 में से 62 सीट, और अब की बार 70 में से, मतलब क्या लिखा है इन्होंने, आप देखिए। एक बयान मोहल्ला क्लिनिक पर सुनाता हूँ, मैं तो चाहता तो पूरा सुनाता लेकिन मैं चूंकि डिकोड कर रहा हूँ तो छोटे छोटे बयान इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप होलिस्टिक तरीके से दोस्तों पूरे संदर्भ को समझें और यह समझें कि एक एक चीज के लिए कैसे ये लोग पहाड़ खड़ा करते हैं। बयान सुनिए। क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया, एक एक चीज का ध्यान रखते थे। फिर एक जगह दोस्तों सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि आज वो हिरासत में है फिर भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की ही चिंता है। सुनिए उसके बाद डायरेक्शन वाली बात सुनाता हूँ। हिरासत में है वो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। और अब मैं दोस्तों उस डायरेक्शन की बात बताता हूं जो इलीगल है, जिस पर मामला दर्ज हुआ है और जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ही नहीं इनके कैबिनेट के सदस्य भी या तो वो झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, कोई तो बोल रहा है, कहीं तो लफड़ा है। अब ये बयान सुनिए कि क्या कहा है। एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं है। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं है और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखा आपने दोस्तों, अब एक सिकाहा सेन जी ने लिखा है, HB आपका न्यू सॉन्ग बहुत अच्छा लगा भाई, मेरा फोन में ट्विटर नहीं आते हैं फिर भी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सिकाहा जी आपको इसके लिए। लेकिन सौरभ भारद्वाज की कहानी पहले बता दूं। अच्छा आप जानते हैं दोस्तों कि जब अरविंद केजरीवाल बाहर थे, बाहर ही रहे 9 साल, तो कभी दिल्ली में नहीं रहे, कभी इधर का चुनाव कभी उधर का चुनाव, काम ही नहीं है, कुछ भी कोई काम करना नहीं है। अब जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो आपको बता सकते हैं कि शीला दीक्षित की सरकार के बाद दिल्ली में कोई काम हुआ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप अगर एक भी चीज दिखा दें तो मैं मान जाऊं कि इन्होंने काम किया, कुछ नहीं किया है दोस्तों, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अब जब ये हिरासत में अंदर है तो ये खुद बता रहे, कोई दूसरा नहीं बता रहा आकर के, सौरभ भारद्वाज बता रहे हैं कि इस तरह की सूचना मुख्यमंत्री को मिली है कि मोहल्ला क्लिनिक में काम ठीक से नहीं हो रहा है, समस्याएं आ रही हैं। और दिल्ली के, मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे जो भी दिल्ली के व्यूअर हैं, दर्शक हैं, वो बताइए अपना अनुभव साझा कीजिए कि सही है गलत है क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर सही है कि मोहल्ला क्लिनिक में दिक्कत हो रही है फिर तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का क्या काम। तो आप पहले सौरभ भारद्वाज साहब का बयान सुनिए। क्योंकि सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाए। देखा आपने दोस्तों, और अब मैं दोस्तों सौरभ भारद्वाज साहब का एक आखिरी बयान सुनाता हूं फिर बाकी चीजें आपको दिखाता हूं। ये जनाब बोलते बोलते एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए कि आप सोच ही नहीं सकते ये काम क्या करेंगे। मैंने तो मोदी जी से यही सुना कि जनता जनार्दन जो है
वो ईश्वर का रूप होते हैं। यही ना सुना है कि जनता ही मालिक है। मगर यहां तो अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का मालिक बताया, याद है ना आपको, सुनाने की जरूरत नहीं है। और उनके जो ये चेले चपाटे हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, वो तो भगवान मानते हैं। केजरीवाल इनके लिए भगवान है और केजरीवाल का कहना भगवान का आदेश है। आप सोचिए, आप बयान सुनिए, और जो भी दिल्ली के लोग हैं, जिनके भी दिल्ली में दोस्त यार या रिलेटिव्स हैं, उनको भेजिए, बताइए कि आपने तो आदमी चुना ही नहीं, आपने तो लगता है भगवान चुन लिया। बयान सुनिए सौरभ भारद्वाज साहब का। निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं। देखा आपने दोस्तों, सीधे भगवान पे उतर आए। केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया को भारत रत्न, सत्येंद्र जैन को पद्मश्री, पद्म विभूषण, और ये लोग केजरीवाल को भगवान ही बना दिए। भगवान ही मालिक है इनका। लेकिन एक कमेंट में जरूर बोलूंगा, परमानंद यादव जी लिखते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई देता है, पता नहीं कहां से आपने देखा, लेकिन गड़बड़ी तो है। और एक मनोज सोनी जी लिख रहे हैं, हरीश जी क्या कभी आपने जादूगरों और ठगों को कभी देखा नहीं हिप्नोटाइज करते? अब ये भी सवाल तो बड़े उठ रहे हैं, लेकिन आपको मैं खबरें पहले सारी दिखाता हूं दोस्तों, कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप देखिए ये वाला, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाएं मिलती रहें, अरविंद केजरीवाल का ईडी हिरासत से दूसरा आदेश। और आपको तो पता ही है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने खुलकर ऐलान किया है, इनकी पूरी टीम ने ऐलान कर दिया है कि जेल से ही चलेगी सरकार। गाना सुना है ना आपने, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर फिट बैठता है। वो चाहे ये करे, वो चाहे वो करे, वो चाहे जेल से चलाए, वो चाहे आसमान से चलाए, कहीं से चलाए, उनकी मर्जी। अब वो तो दिल्ली के मालिक भी हैं, बाकी इन लोगों ने उनको भगवान बता दिया, भगवान का आदेश। तो अब भगवान के आदेश की अब हेलना कैसे होगी दोस्त, कौन करेगा, किसमें हिम्मत है? लेकिन आपको आगे की खबर दिखाता हूं, आप इस खबर को देखिए। फेक था केजरीवाल का आदेश, आतिशी पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो भारतीय जनता पार्टी की एलजीईडी से शिकायत। और खबर पढ़ लीजिए आप, ईडी की हिरासत में रहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी आदेशों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा ने आदेश को फर्जी बताते हुए दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और ईडी से शिकायत दर्ज की गई है। और वही सिरसा साहब का मैंने आपको बयान सुनाया। अब आप देखिए इस रिपोर्ट को, केजरीवाल अभी फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, सीसीटीवी के सामने हैं, ईडी के दावों से बढ़ गया विवाद। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई उनके नेता ने, तो उसके बाद ईडी ने कहा, और ये अखबार की पूरी मैंने रिपोर्ट पढ़कर आपको सुना रहा हूं, ईडी ने भी कहा है कि केजरीवाल से हिरासत में कोई हस्ताक्षर लिया ही नहीं गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीसीटीवी की निगरानी में है और उन्हें अभी सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब समझ रहे ना, अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर दिल्ली के मालिक हैं, तो केजरीवाल जिसके गिरफ्त में है वहां तो उसी का कानून चलेगा ना। चुनाव अगर होता है तो चुनाव आयोग का कानून चलता है, अगर मामला जुडिशियल होता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या संबंधित कोर्ट का कानून चलता है, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट का कानून चलता है, और जब जेल में होते हैं तो जेल की नियमावली होती है। कोई अपने मन से नहीं बनाता, कोई घर से नियम कानून लेकर नहीं आता, जो नियम कानून विधिक हैं, संवैधानिक हैं, संसदीय परंपरा के अनुरूप बने हैं,
उसी के अनुसार चलता है दोस्तों, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। और ये रिपोर्ट देख लीजिए, हिरासत से दिए केजरीवाल सरकार के पहले आदेश की जांच करेगा ईडी, एजेंसी ने लिया संज्ञान, एक्शन में अधिकारी। और खबर की कुछ पंक्तियां भी पढ़कर बताता हूं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के बयान का संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी और सीवरेज से संबंधित जन कल्याण कार्य शुरू करने के लिए एजेंसी की हिरासत से उन्हें निर्देश भेजे हैं। अधिकारियों ने बताया कि वो जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसा निर्देश जारी करना पीएमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के दायरे में है। सवाल है कि क्या हिरासत के दौरान केजरीवाल सरकार चलाने के लिए जरूरी दस्तावेज साइन कर सकते हैं। हिरासत में कोई व्यक्ति साइन कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, इस पे तो कानून है और ईडी जांच कर रहा है दोस्तों। और कोर्ट के आदेश के अनुसार, देखिए बड़े ध्यान से सुनिए कि केजरीवाल को कोर्ट ने क्या छूट दी है और कहीं वो इसका बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है कि अगर वो कोर्ट में चला जाए ना, पहले आप देख लीजिए। कोर्ट के आदेश के अनुसार केजरीवाल प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल से, निजी सहायक विभव कुमार से, जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं। अब अगर इन्होंने ये काम किया होगा तो क्या होगा? फिर तो कोर्ट को भी तो सोचना पड़ेगा ना, जब ईडी जाएगी कि भैया देखिए महाशय आप किस लिए दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। फिर तो नियम कानून तो सबके लिए बराबर हुआ नहीं, आप कुछ और के लिए दे रहे हैं, ये तो कुछ और कर रहे हैं। जैसे हेमंत सोरेन का मामला याद कीजिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी के बाद जब वोटिंग हो रही थी तो वोटिंग में उनको दिया गया और उन्होंने उसको पूरा एकदम माहौल बना लिया, बयान दिया गया, पूरा भाषण दिया और जहां पहुंचाना तो पहुंचाया। हालांकि इस राज में ये इमोशनल कार्ड नहीं चलता, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप फंसेंगे। और इसीलिए दोस्तों आप ये देख लीजिए, हिरासत से आदेश देना केजरीवाल को पड़ा भारी, अब ईडी लेगी यह एक्शन, बढ़ेंगी आपकी मुश्किलें। इसमें क्या लिखा है मैं पढ़कर सुनाता हूं। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या इन बैठकों के दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। उन्होंने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, केजरीवाल के लिए है ये, तो संबंधित विशेष अदालत को विधिवत सूचित किया जाएगा। ऐसे में अगर हिरासत से जारी आदेश को लेकर केजरीवाल के खिलाफ ईडी कोर्ट में शिकायत करती है तो इससे उनकी और आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और सिर्फ एक पेंच नहीं है दोस्तों, बहुत सारे पेंच हैं। जब आप ईडी की कस्टडी में होते हैं बहुत सारे नियम कानून हैं, और ईडी वाला कानून कोई भाजपा ने, मोदी जी ने नहीं बनाया है, ये तो कांग्रेस के समय से बना है। उसमें नियमों में हेर फेर हो सकता है, लेकिन ईडी का ये पूरा मसला तो कांग्रेस के समय से है दोस्तों। और इसीलिए आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप देखिए कि कितनी छोटी और बारीक चीजों पर भी नजर होती है, आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और देखिए ये ईडी की कस्टडी में किसी को पेन और पेपर नहीं मिलता, फिर ऑर्डर कैसे दे रहे अरविंद केजरीवाल? जब आपके पास हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं, कोई स्टेशनरी नहीं, तो आपने आदेश दिया कैसे? और मैं कुछ लाइनें पढ़कर सुनाता हूं आपको। ईडी ने कहा है कि वो इस बात की जांच करेगा कि ये आदेश कैसे जारी हुआ। कस्टडी में रहने वालों को ईडी किसी तरह की स्टेशनरी यूज करने की अनुमति नहीं देता, फिर केजरीवाल कैसे लिखित आदेश जारी कर रहे हैं? ईडी के नियम कहते हैं कि स्टडी में किसी को स्टेशनरी का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता, फिर बकायदा टाइप किया हुआ आदेश कैसे जारी हुआ? और मैंने अभी आपको दिखाया, याद होगा, जिसमें
आतिशी वो दिखा रही है लेटर टाइप किया हुआ, उस आदेश ने जो केजरीवाल का आदेश है उसने ईडी के अधिकारियों को भी चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी फिलहाल केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से पूछताछ कर रही है। कुमार पर कथित शराब घोटाले में शराब मिटाने का आरोप है। तो ये तो केजरीवाल की गजब कहानी है, लेकिन मजेदार चीज आपको दिखाता हूं। एक और सज्जन है संजय राउत, बड़ा बड़ी कहानियां आपको दिखाई है। महाराष्ट्र में तो संजय राउत जब इनकी सरकार थी तब तो पता ही नहीं चलता था कि संजय राउत के अलावा कोई और भी है या नहीं है, भले ही वो सरकार में नहीं थे, भले ही वो मंत्री नहीं थे। और अब लगता है कि इन्होंने अपनी लीडरशिप भी बदल ली। कल तक राहुल के गुण गा रहे थे, अब तो केजरीवाल के गा रहे हैं और कह रहे हैं कि जेल में डाल दिया ना, अब अरविंद केजरीवाल और खतरनाक हो गए हैं। यही है तो आपको सोचना पड़ेगा। पहले बयान सुनिए इनका, संजय राउत साहब का सुना रहा हूं। सुना कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी डरते हैं, ये डर है, उनको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आप अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ज्यादा खतरनाक बन गए, वो अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर करना मुश्किल था। अब जेल से अगर कोई नेता काम करता है तो लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। वैसे संजय राउत की दोस्तों महिमा बड़ी अपरंपार है। अब कैसे है, कैसे क्या किया वो मैं सुनाऊं। उससे पहले एक जरूर मृणुल डेका, इन्होंने लिखा है, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सिंपैथी टू द पीपल ऑफ दिल्ली एज हाउ दे इलेक्टेड दिस नटवरलाल थ्राइस। इन्होंने लिखा है कि दिल्ली के लोगों ने किस प्रकार चुन लिया, थोड़ा सोचता हूं कि क्यों, लेकिन मैं जरूर इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वरना ऐसा संभव नहीं है कि जो जनता इनको विधानसभा में चुनती है वो लोकसभा में सफाया कर देती है। और 50% से भी अधिक वोट भाजपा को मिले लोकसभा में, आप सोच लीजिए। तो अब तो आपको कहानियां आगे दिखेंगी, लेकिन संजय राउत का एक बयान दोस्तों आज जरूर बताना चाहूंगा। ये तो एक्सट्रीम पर खेलते हैं, तो इधर उधर की बात तो करते ही नहीं है। संजय राउत ने अरविंद केजरीवाल की तुलना स्वतंत्रता आंदोलन के जो संग्राम में लड़ने वाले लोग हैं उनसे की है। सोचिए कहां भ्रष्टाचार में बंद ये गैंग, केजरीवाल एंड गैंग, जेल में, तिहाड़ में इनके 3 साथी, और ऊपर से केजरीवाल ईडी की हिरासत में, और कहां स्वतंत्रता सेनानी। कमाल है, ये काम तो सिर्फ संजय राउत ही कर सकते हैं। बयान सुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में भी जो नेता जेल में चले गए वो बाहर आकर ज्यादा मजबूत हुए और लोग उनके साथ खड़े रहे। देखा आपने दोस्तों, ये संजय राउत साहब हैं, महाराष्ट्र में कुछ हुआ नहीं है, लड़ ही रहे हैं, सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, लेकिन इनको अपने घर से ज्यादा दूसरे के घर में झांकने की बड़ी आदत है। और इनका तो आपको पता होगा, जब शिंदे साहब उधर गए थे तो क्या क्या धमकियां दी थी, आपको याद है ना, कि महाराष्ट्र में घूमना भी आफत हो जाएगा, घुस नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या क्या जितनी चीजें हैं दोस्तों। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर आइए, जेल से ही सरकार चलाऊंगा, नहीं सोचा था ईडी इतनी जल्दी आ जाएगी। केजरीवाल ने तय कर लिया है दोस्तों, क्यों किया है इसके पीछे भी रहस्य है। केजरीवाल आज के समय में, जैसे कहते हैं ना कि इस समय अगर समसामयिक परिस्थितियों को देखिए तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है अपने परिश्रम की वजह से, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसा घाघ राजनेता आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वो इसीलिए ये खेल कर रहे हैं, ये फंस रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन ये खेल भी कर रहे हैं, उस खेल में बड़े रिस्क है। लेकिन अगर 0.% में भी, 0.0001% में भी अगर कहीं लग गया तो फिर ये कहां पहुंचेंगे, आप सोचिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का अभी क्या होना है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस खबर को, ईडी ने केजरीवाल से की 4 घंटे तक पूछताछ, सिसोदिया के सचिव से करवाया जाएगा दिल्ली के सीएम का आमना सामना। बहुत सारे कांड हो रहे हैं दोस्तों, और मैंने सुबह में दिखाया ना कि
कि उनकी तो मेमोरी चली गई है, वो भूल गए हैं सब कुछ। अब सारी चीज़ें याद कराई जाएंगी, पता चलेगा। जितना खेल करना है खेल कर लीजिए। और जैसे जैसे मामले आगे बढ़ रहे हैं, आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए। ये वाली कल की रिपोर्ट है दोस्तों। आपको खालिस्तानियों ने दिए 133 करोड़ आतंकी भुल्लर को छोड़ने का केजरीवाल ने किया था वादा, पन्नू का दावा। अब थोड़ा सा ये खबर पढ़कर सुनाता हूँ, बड़ा संजीदा खबर है इसलिए मैं सीधे आपको पढ़कर सुनाता हूँ। और कितना बड़ा मामला है आप सोचिए। ये सारे मामले जो भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, जो आतंकवाद से भी जुड़े हो सकते हैं, और इस तरह के आरोप तो खुद कुमार विश्वास ने लगाए हैं दोस्तों। आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं ताकि कोई बातचीत में ऐसा भटकाव ना हो। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल पर खालिस्तानियों से सैकड़ों करोड़ चंदा लेने का आरोप लगाया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, कई कहानियां दिखा चुका हूं, बड़ा आदमी है ये, अमेरिका और कनाडा भी इसके समर्थन में खड़ा रहता है। आतंकी पन्नू ने दावा किया है कि सीएम केजरीवाल ने खालिस्तानियों से मुलाकात की। खालिस्तानियों से मुलाकात में आतंकी भुल्लर को छोड़ने का वादा भी किया था। पन्नू ने ये आरोप एक वीडियो में जड़े हैं, एक वीडियो बनाया है। सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन के मुखिया पन्नू ने चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और पंजाब सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए एक 2.5 मिनट का वीडियो जारी किया। वीडियो मैं दिखा नहीं रहा दोस्तों, ये आप जाएंगे आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा। इसमें पन्नू ने सीएम केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के बाद कई आरोप जड़े हैं। पन्नू ने आरोप लगाया कि भगवंत मान और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए खालिस्तानियों से मोटी रकम ली है। केजरीवाल ने ली है, बड़े ध्यान से सुनिए। पन्नू ने कहा कि 2014 से 2022 के बीच खालिस्तानियों ने आपकी सरकार बनाने के लिए 16 मिलियन डॉलर की मदद दी। 16 मिलियन डॉलर यानी 133 करोड़ रुपए, आप सोचिए। और एक ट्वीट भी आपको दिखा देता हूं। पन्नू ने इस वीडियो में कहा, अरविंद केजरीवाल खुद को ईमानदार हिंदू कहते हैं लेकिन वो बेईमान हिंदू है। अब आप बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, मैं इन चीज़ों में क्या आपको बताऊं दोस्तों। ये पूरा मामला आतंकवाद से जाकर जुड़ता है। कहां कहां तक फंसा हुआ मामला, कहां कहां तक इनके पैर धंसे हुए हैं। और ये आरोप है, अगर यही बात दूसरे के लिए होती तो आप याद कीजिए दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल पोथा लेकर आते थे, याद है कि नहीं, बेईमानों की लिस्ट जारी करते हुए कहते थे कि ये सबसे बड़ा आरोपी है, इसने इतने करोड़ की घूसखोरी की है, इसने घूस लिए हैं, और खुद फैसला सुना देते थे बिना किसी परवाह के। लोग बोलते थे कि आपके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और यही सब कह कहकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए जो बनना था। उसके बाद सबसे माफी मांग ली, पता है ना कितनी माफिया मांगी, 6-7 तो मैं ही आपको दिखा चुका हूं। तो ये भी आरोप लग रहे हैं, और अगर केजरीवाल के पास दस्तावेज होते तो वो तो सीधे दोषी करार देते, लेकिन मामला खुद का है तो वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इसीलिए ये मैंने आपको दिखाया दोस्तों। लेकिन मैंने आपको शुरू में एक खबर दिखाई कि अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट बढ़ती जा रही, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, वो दिल्ली हाईकोर्ट फिर पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले, उस खबर को दिखाने से पहले, आपको ये खबर दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए, ये भी खबर आ गई कि के कविता ने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ 100 करोड़ रुपये की डीलिंग की। कैसे पैसे लिए, कहाँ लिए, क्या किया गया, ये आपको खुद सोचना है। और जब मैं आपको के कविता की बात बता रहा हूँ ना दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि के कविता को आज ही, ये आज की खबर बता रहा हूँ, के कविता को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दी।
और उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। और के कविता आप समझ लीजिए साउथ लॉबी की सबसे बड़ी आरोपी है और साउथ लॉबी से सीधे अरविंद केजरीवाल जुड़े हैं। और के कविता जो केसीआर की बेटी है, उन्हीं के बाद ईडी का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसा गया। जब के कविता की गिरफ्तारी हो गई उसके बाद ये तय हो गया कि अब अरविंद केजरीवाल का बच पाना नामुमकिन है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एकदम से तय है, ये उसी के बाद तय हुआ। और के कविता को कहीं से जमानत नहीं मिली। और आज की खबर ये है कि उन्हें 9 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और के कविता में ही 100 करोड़ रुपए की बात आई है दोस्तों सामने। अब आप सोचिए कि जब इस मामले में संजय सिंह को राहत नहीं मिली, जब इस मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली, जब इस मामले में के कविता को राहत नहीं मिली, तो कल जब कोर्ट में सुनवाई होगी अरविंद केजरीवाल की, तो उनका क्या होगा? इनको तो सरगना बता चुकी है ईडी, आप सोचिए। और तब आप कैलकुलेशन कीजिए कि जो चीजें चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं दोस्तों। क्योंकि याद कीजिए, जिस दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, उसी दिल्ली हाई कोर्ट में 23 मार्च को भी केजरीवाल के वकील पहुंचे थे और ये कहा था कि मिलोर्ड आप इसकी तत्काल सुनवाई कीजिए, कल ही कीजिए 24 तारीख को, और इनको छोड़िए अरविंद केजरीवाल को। हाईकोर्ट ने क्या कहा आपको पता है? हाईकोर्ट ने कहा कि तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि रविवार है, उसके बाद होली की छुट्टियां हैं और इस मामले में 27 तारीख को सुनवाई होगी जो कि कल होनी है। और जब ये बात बताया आपको तो ये भी याद रखिए कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल इसी हाईकोर्ट में 2 बार पहुंचे, लगातार 2 दिन। और एक बार तो ये हो गया कि मिलोर्ड बस गिरफ्तारी से राहत दे दीजिए, हम सब कुछ करेंगे, पूछताछ में भी शामिल होंगे, सब जगह जाएंगे, जो ईडी पूछेगी वो सब बताएंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार से राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और जब ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा था ना दोस्तों, तो ईडी से हाई कोर्ट ने करारे सवाल पूछे कि आपके पास कोई सबूत है ये मुख्यमंत्री है? तो ईडी ने कहा कि जी साहब, मेरे पास सबूत है, और उस सबूत को चूंकि पब्लिकली दिखाया नहीं जा सकता, बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। तो हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा आप चैंबर लेकर आइए हमारे, और चैंबर में अधिकारियों ने दिखाया सबूत, और हाई कोर्ट के जज इसके बाद मना नहीं कर पाए ईडी के दावे को, और फिर गिरफ्तारी से छूट देने से साफ मना कर दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल है, और इसीलिए मैंने आपको दिखाया दोस्तों दो चीजें। एक तो एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, ये केजरीवाल की हकीकत दिख रही है। और दूसरा, अखबार में नाम लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने के लिए ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं जो कि वास्तव में इन्हें और मुसीबत में फंसाने वाला है। तो कल सुनवाई है, इंतजार कीजिए क्या होता है, क्या देखने को मिलता है, सब चीजें पता चल जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तमाम सबूतों के साथ मैंने एक एक दस्तावेज आपके सामने रख दिए, एक एक मीडिया रिपोर्ट आपको आपके सामने रख दी। तो अपना इसी तरीके से प्रेम बनाए रखिए दोस्तों। और मैं लोगों से संवाद करूं उससे पहले फिर से गुजारिश करता हूं, HB मेलोडी जो संगीत का अपना चैनल है उसमें जाकर आप ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर आपने नहीं किया, लोगों तक उसे भी पहुंचाइए, फैलाइए, और हमारी मेहनत को आप अपना प्रेम दीजिए। आइए ज़रा आपसे संवाद भी करते हैं। दीपू बाबू जी बाबू ने बहुत सारा लिखा है, जय सिया राम आपको, जय सिया राम। और यशोधन मजुमदार साहब साहब ज़रा इलेक्टोरल बॉन्ड्स और चंदा, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इन्होंने बात की है, उस पर बात कर चुका हूँ, आपने शायद नहीं देखा होगा, मैं ज़रूर वो बताऊँगा। बलराम झा जी लिखते हैं, हरीश भाई सर जी ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सुनील जी लिखते हैं,
अब देखिए डॉट डॉट लोगों ने शर्म हया सब खो दिया है, मैं आपकी पूरी बात नहीं पढ़ पाऊंगा। उसके बाद थोड़ा मैं आता हूँ, कृष्णा हल्दर साहब आपका तो पढ़ दिया मैंने। मंजीत सिंह सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मोहल्ला क्लिनिक में भी नकली मेडिसिन दी जा रही है। देखिए ये दूसरे शख्स हैं जो नकली मेडिसिन की बात कर रहे हैं। अब ये दिल्ली वाले लोग ज़रूर देखेंगे, बता सकते हैं कि सही है गलत है क्या है। खेमचंद सारस्वत, ये तो सुनीता केजरीवाल के निकट प्रतिद्वंदी आतिशा मारलेने को निपटाने के लिए षड्यंत्र किया है। फिर नानू कुमार, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस आप पार्टी इज फ्रॉड। फिर किरीट पटेल, दवा को पता नहीं क्या लिखा है। मोहनलाल लिखते हैं, हद हो गई है बेशर्मी की, दिल्ली सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके का हाल है अगली बार सरकार खत्म ही कर देगी, वो यूनियन टेरिटरी में लाएगी, क्योंकि उसके बाद दिल्ली का जो विकास होगा वो अकल्पनीय होगा कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की निगरानी में होगी दिल्ली और उसके बाद उसका विकास देखने लायक होगा। फिर आगे बढ़िए, धन सिंह वर्मा, क्या हिरासत में ही ये समस्या दिखाई दी, उससे पहले क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रविंद्र नायक जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर क्रिमिनल्स लिखे हैं। एम शर्मा लिखते हैं, आतिशी मारलेना को लेटर नहीं आया, जेल जाने का समन आया है। अच्छा जय हिंद, हितू हिंदुस्तानी जी आपको भी नमस्ते। रमेश बटेवारा जी, आपकी हर अदा का अंदाज ही निराला है, थैंक यू रमेश जी। सुशांत दास लिखते हैं, एक्सीलेंट डिस्कशन अबाउट केजरीवाल, थैंक यू सर आपको भी। योगिंदर राव जी लिखते हैं, बहुत ही सत्य और सर्वोत्तम विश्लेषण हरीश जी आपका, आपको कोटि कोटि प्रणाम, जय सियाराम। आपको भी जय सियाराम योगिंदर जी। फिर वांगड़ी साहब ने लिखा है, केजरीवाल फॉरगेट हिज प्रॉमिस इन 2012, हरीश सोनी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। शशिकांत वैष्णव, अजब केजरी की अजब कहानी है हरीश भाई साहब, इसने मोदी जी को पानी तो पिला दिया। अब मैं क्या कहूँ, आपको लग रहा है मोदी जी को पानी पिला दिया, तो चलिए मान लेते हैं पानी पिला दिया। तो अपने कमेंट जारी रखिए दोस्तों, और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, अपने विचार ज़रूर रखिए। जो भी लोग दिल्ली के हैं, NCR के हैं, पंजाब के हैं, वो अपनी बातों को प्रकट कीजिए, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ एक दल नहीं है, दल के नेता नहीं है, आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दल नहीं है, इसने भारत की राजनीति में एक नया मोड़ देने की कोशिश की है। कायदे से तो ये एक नयापन होना चाहिए था, लेकिन इसने भारतीय राजनीति को जितना दूषित किया है उतना आज तक कभी कोई नेता कोई पार्टी नहीं कर पाई, और ये मैं जो कह रहा हूँ आप आने वाले दिनों में देखेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं लाइव करूँ या वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जय सियाराम।